हेलो फ्रेंड्स, हमारा से मेरे रोगा सभी के बहुत बहुत स्वागत बात। चलिए आज हम उबला लालू के बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी बताएं जो रोगा लोग छोला चाट भूल जाए। तो चलिए हम उबला ले बनी आलू रोगा चाहिए तो छोटा छोटा आलू भी ले सकता नहीं। एक हम क्या बनाए आज बनाई आलू कचालू। तो आलू कचालू बनाए खातिर वो पहले आलू के अच्छा से बॉयल कर दे हम। रोज छोटा साइज में अगर आलू होके तो कट ना करम, अगर बड़ा साइज में होके तो टुकड़ा में काट लें हम। जिसे इस तरीका से ज़्यादा बड़ा बात तो चार टुकड़ा भी कर सकता नहीं, लेकिन टुकड़ा थोड़ा बड़ा साइज में होके के चाहिए। तो चलिए सब आलू के पहले बन काट लेता नहीं, अब तब एकदम चटपटा रेसिपी बताते नहीं। चलिए तो सभी आलू के हम छोटा छोटा टुकड़ा में कट कर ले बनी। अब एक के अच्छा सा एकदम चटपटा फ्राई के लिया। चलिए तो कचालू बनाए खाती हम एगो पेन बैठा दे बनी, वो कढ़ाई में भी अच्छा से फ्राई कर सकते रही। उसमें डाल दें हम थोड़ा सा तेल, तेल के अच्छा सा गरम होके दे हम। जब तक तेल गरम ना हो जाए कचालू हमी के अच्छा से फ्राई ना हो। तेल हमी के अच्छा से गरम हो गए बा, उसमें डाल दे हम एक चम्मच भर के जीरा। जीरा के अच्छा से लाल होके दे हम, हल्का लाल ना, अच्छा से लाल हो जाए दे हम। जीरा लाल हो जाए तो आलू जो हमी के बॉयल करके काट ले रही जा ओकरा के हमी के डाल के अच्छा से 2 से 3 मिनट तक ले फ्राई करम जा जीरे में, ताकि जीरा के टेस्ट बहुत अच्छा आवेला। तो जीरा में फ्राई कर ले। चलिए तो हमने के अच्छा से एकरा के आलू के फ्राई कर लेंगे। जब देखिए तो लाल लाल हल्का हो गया। अब एकरा में कुछ मसाला डाला जाए ताकि चटपटा हमने के हो जाए, एकदम चटपटा हो जाए। जैसे हम के डाल दें जा चाट मसाला। चाट मसाला अगर हमारे पास नहीं के हो थे तो अमचूर पाउडर डाल दें हम। उसके बाद लाल मिर्ची, तीखी लाल मिर्ची ना, कश्मीरी लाल मिर्ची रोगा डाल दें हम थोड़ा सा। उसके बाद डाल दें हम थोड़ा सा हल्का सा गुलकी पाउडर, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डाल दें हम, थोड़ा सा सौंफ पाउडर, इससे ज़्यादातर अच्छा रहेगा। उसके बाद भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दें हम आधा चम्मच के लगभग। अब अच्छा से एक रखे मिक्स करके थोड़ा देर भून लिया। कचालू अच्छा से भुना गई। अब एक रखे गैस बंद करम और एक रखे अब डेकोरेट करम, मतलब खाए खाती। चलिए तो कचालू निकाल लिया एक प्लेट में आराम से। जिस चीज़ में रुआ खाए के बाद उस चीज़ में, ज़रूरी नहीं खे कि प्लेट में। अब अच्छा से प्लेट में चाहे रुआ बड़ा सा कटोरा हो के टुकड़ा में निकाल ली ही। थोड़ा सा डाल दें में पे सेव, फिर डाल दें हम प्याज। छोटा छोटा टुकड़ा में काट के प्याज डालम ताकि खाए में आसानी हो के। उसके बाद डाल दें हम चुकंदर होके तो चुकंदर, न तो गाजर होके तो गाजर। उसके बाद डाल दें हम हरी मिर्च, फिर धनिया पत्ती, थोड़ा सा इमली के चटनी, हल्का सा सेव ऊपर से डाल के अब गर्मा गर्म रुआ कचालू के मजा ली ही। तो रुआ बताइए कमेंट करके कि कचालू हमारे के रेसिपी रुआ लोग को कैसा लगल। तो फिर मैं आई एक नया रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। उम्मीद करता नहीं हमारे कचालू की रेसिपी रुआ लोग अच्छा लगत हुई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो।